हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे क्राफ्ट्स क्राफ्टिंग विद एजे। और आज हम रीयूज़ करेंगे ये कप नूडल्स के कप्स को। इसके लिए हम लेंगे कार्डबोर्ड पीसेस। आप इन्हें किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने ये इतने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और मैं ऐसे इस पैटर्न में मोज़ेक बनाकर अपने इस कप पर पेस्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे ऐसे मोज़ेक को, ये कार्डबोर्ड टाइल्स को इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लिया है। बाद में हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं जो बाहर आ रहे हैं उन्हें कट कर देंगे। आप और भी डिफरेंट फेस में कार्डबोर्ड कट करके पेस्ट कर सकते हो। मैंने और भी डिफरेंट ये कप्स के ऊपर कार्डबोर्ड पेस्ट किया है। आई विल शो यू हाउ। सो कार्डबोर्ड पीसेस को ऐसा छोटा छोटा कट करके मैंने ये डिज़ाइन प्रिपेयर किया है। मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को सबसे नीचे से पेस्ट करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर ओवरलैप करते करते यहाँ ऊपर तक पेस्ट कर दिए। सेकंड डिज़ाइन इज़, अगर मैं इसके ऊपर से ये वाला कवर उतार दूँ तो मुझे अंदर से ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न वाला कार्डबोर्ड मिलेगा। तो एक कप पर मैंने ये सारा इस शेप में ऐसे पेस्ट कर दिया। फोर्थ पैटर्न इज़, मैंने इसे और इसे कंबाइन करके मोज़ेक प्रिपेयर कर दिया। और फिर इसे सूखने के लिए रख दिया। जब ये सूख गया तो मैंने इस पर फेविकॉल की कोटिंग कर दी। आप चाहें तो इन पर पेपर या टिश्यू पेपर की लेयरिंग करके कोटिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस मोज़ेक पर करा। तो अब मैं इन सबको डिफरेंट तरीके से पेंट करूंगी एंड लेट सी ये कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हमने पूरा अंदर बाहर गोल्डन कलर कर दिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन दिखाती हूँ। तो ये है कप नंबर 2। इसे मैंने रेड पेंट करा है और इस पर हल्का गोल्डन टच दिया है। चलिए चलते हैं कप नंबर 3 की तरफ। तो ये है डिज़ाइन नंबर 3। इसमें भी मैंने कुछ वेरिएशन दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने कार्डबोर्ड की टाइल्स लगाई थी, इन पर मैंने पेपर पेस्ट करके और फिर उसको पेस्ट करते करते गीले में ही इसमें यहाँ पर कट्स डाले थे, सो दैट ये अलग अलग से नज़र आए। और इसके अंदर मैंने गोल्डन स्प्रे किया है। ये वाले में, इसमें मैंने डायरेक्ट कार्डबोर्ड पर ही पेंट कर दिया है। ये थोड़ा सा फिनिशिंग में अच्छा नहीं है, आप देखेंगे इसमें बेस नज़र आ रहा है। और इसके अंदर मैंने वाइट रखा है जिससे कि पता चले कि अगर अंदर से वाइट है तो कैसा लुक आएगा। अगर आप बिना पेपर के इसे पेस्ट कलर करना चाहते हैं तो स्प्रे पेंट यूज़ करें, सो दैट ये जो अंदर के पोर्शंस नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएं। और अगर आप अंदर से इसे खाली छोड़ना चाहते हैं, जो इसका एक्चुअल कलर है वही रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये है डिज़ाइन नंबर 4। इसमें हमने दोनों टाइप के कार्डबोर्ड्स को कट करके पेस्ट किया है। अगर आप एकदम यूनिफॉर्मली कार्डबोर्ड्स को पेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा। उसके अलावा भी अगर आप स्प्रे पेंट यूज़ करेंगे तो आपको पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना टिश्यू पेपर के भी ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। बट हाँ, मैंने इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके ऊपर ग्लू का 2-3 कोट अप्लाई करे थे। आप मॉड पॉज भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है।
सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमें ज़रूर बताएं आपको कौन सा पैटर्न, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा क्राफ्ट है। आप इसे पेन स्टैंड, लैंटर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।